और वैसे भी मैं तुझसे अब एक हफ्ते नहीं मिलूंगा, लेकिन एक तरीके से अच्छा भी है। अगर रोजी नहीं रखे तो फिर ये सब्सक्राइब कीजिए एक्सेस बॉलीवुड को, बेल आइकॉन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा के बारे में। तो इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आएंगी संजना सांगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मुकेश छाबरा ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। आपको बता दें दिल बेचारा का ट्रेलर का रिलीज होगा यानी 6 जुलाई को। दोस्तों मुकेश छाबरा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि ट्रेलर 6 जुलाई को रिलीज़ होगा, बट सुशांत सिंह राजपूत के फैंस नाराज़ हैं और पोस्ट में कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव कि ये सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी है, इसको बड़े पर्दे पर रिलीज़ किया जाए। बट दोस्तों ये OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज़ होगी 24 जुलाई को। दोस्तों ये फिल्म दिल बेचारा का जो बजट है वो है सिर्फ 20 से 25 करोड़ का। अब बात करते हैं दिल बेचारा रिलीज से पहले कितनी कमाई की है। तो दोस्तों दिल बेचारा के जो OTT राइट्स है वो बिके हैं 45 करोड़ में। इसे खरीदा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने। दोस्तों इसके जो सैटेलाइट राइट्स है यानी टेलीविज़न पर देखने के राइट्स वो बिके हैं 20 करोड़ में, जिसे ख़रीदा है स्टार गोल्ड ने। वहीं दोस्तों इस फिल्म में जो म्यूज़िक है वो बिके हैं 7 करोड़ में, जो दिए हैं AR रहमान साहब ने। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी दिल बेचारा ने टोटल कमाई कर ली है रिलीज से पहले ही 72 करोड़ की। फिल्म बनी है 20 करोड़ में और रिलीज से पहले ही कमाई कर ली है 72 करोड़ की। बड़े पर्दे पर रिलीज़ होती तो 150-200 या उससे भी ज़्यादा करोड़ का बिजनेस करती। तो अब इंतज़ार करते हैं 24 जुलाई की। आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी दिल बेचारा बड़े पर्दे पर रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं?